दोस्तों, ग्लैमर वर्ल्ड ऐसा है जहाँ कई रिश्ते बनते हैं तो कई रिश्ते बहुत जल्द ही टूट भी जाते हैं। फिर वो बॉलीवुड हो या टीवी की दुनिया, बॉलीवुड टीवी जगत में बन रही रियल लाइफ की जोड़ियाँ कुछ ऐसी होती हैं, साथ में काम करते करते धीरे धीरे नज़दीक आती हैं और रियल लाइफ जोड़ियाँ भी बन जाती हैं। इन्हीं में से कुछ कपल्स आज की डेट में काफ़ी खुश हैं, लेकिन कुछ जोड़ियाँ ऐसी भी हैं जो शादी के कुछ टाइम बाद ही टूट चुकी हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं टूटी जोड़ियों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीवी और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में जिनकी शादी तो बहुत जल्दी हुई लेकिन वो शादी बहुत जल्दी टूट भी गई। सबसे पहले बात करेंगे टीवी सीरियल की क्वीन सारा खान की, जो आज टेलीविजन का जाना माना नाम है। सारा उन लड़कियों में शामिल है जिनकी चट शादी और पट तलाक हुआ। बता दें कि सारा ने बिग बॉस के दौरान अली मर्चेंट से शादी की थी। बात साल 2010 की है, लेकिन शादी के दो महीने बाद ही सारा की शादी टूट गई थी। सारा की हाथों का मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था कि दोनों इस शादी से बोर हो गए थे। इसके बाद 2011 में दोनों ने तलाक ले लिया और अलग अलग जीने का फैसला कर लिया। अब बात करते हैं 90s के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की। इनकी शादी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी। मनीषा ने बिजनेसमैन सम्राट दहल से 2010 में शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे और आखिर में मनीषा ने शादी के दो साल बाद 2012 में सम्राट से तलाक लेकर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। आपको बता दें, मनीषा कोइराला एक बार अपने एक बयान को लेकर भी सुर्खियों में आई थी, जिसमें उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मेरा पति मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बॉलीवुड में आज भी अपनी खूबसूरती के लिए पहचान रखने वाले एक्ट्रेस रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ सात फेरे लिए थे, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मुकेश बहुत ही तनाव में रहने लगे और देखते ही देखते उन्होंने 1991 में सुसाइड कर लिया। इस तरह रेखा और मुकेश का रिश्ता महज 12 महीनों में ही खत्म हो गया। सुपरहिट फिल्म फुकरे और फुकरे रिटर्न फेमस हुए एक्टर पुलकित सम्राट की शादी बॉलीवुड के दबंग खान की मुंह पोली बहन श्वेता रोहिरा से नवंबर 2014 में हुई थी, लेकिन शादी के 11 महीने बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। इसका कारण पुलकित और एक्ट्रेस यामी गौतम के बीच की बढ़ती नजदीकियों का माना जा रहा था। इसी वजह से श्वेता का 2015 में मिसकैरेज भी हो गया था। आखिर में दोनों की शादी बहुत बुरी तरह से टूट गई। टीवी के पॉपुलर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं से फेमस हुई चाहत खन्ना ने 2006 में बिजनेसमैन भारत से शादी की थी, लेकिन शादी के 8 महीने बाद ही चाहत ने तलाक की अर्जी डाल दी। आपको बता दें कि शादी के बाद चाहत ने अपने एक्टिंग करियर को भी छोड़ दिया था, लेकिन पति की रोज की किचकिच से परेशान होकर चाहत ने आखिर अपने पति से तलाक ले ही लिया। शादी से पहले दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी शादी ज्यादा नहीं टिक पाई। टीवी की दुनिया के स्टार करण सिंह ग्रोवर ने पहली शादी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता सिर्फ 10 महीने तक ही चल पाया। इसके बाद करण ने दिल मिल गए में अपने को स्टार जेनिफर विंगेट से शादी की, लेकिन करण जेनिफर विंगेट के साथ भी अपना रिश्ता नहीं निभा पाए और करण ने जेनिफर को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी कर ली। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस से फेमस हुई एक्ट्रेस मंदना करीबी ने बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से 25 जनवरी 2017 को शादी की थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही दोनों के बीच तकरार आने लगी। मंदना ने अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, मंदना ने उन पर धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया था। मंदना ने बताया था कि उनके ससुराल वाले उनके प्रोफेशन से खुश नहीं थे। एक्टर और सिंगर किशोर कुमार की गायकी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। किशोर कुमार ने कुल मिलाकर 4 शादियां की थी। साल 1976 में उन्होंने तीसरी शादी योगिता बाली से की थी, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ही किशोर कुमार ने योगिता से किनारा कर लिया था। किशोर इस कदम को उठाने के पीछे की वजह ये बताई गई थी कि योगिता की एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से नजदीकियां बढ़ने लगी थी और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली थी। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड और टीवी जगत के इन एक्ट्रेसेस की टूटी शादियों के बारे में जानकर कैसा लगा और किसकी शादी टूटने का आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ? आप अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड या टीवी से जुड़ी और भी ऐसी ही खबरें जाननी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।